नगर निगमों चुनावों में कांग्रेस को पालमपुर और सोलन में मिले बहुमत पर कांग्रेस पार्टी गदगद हो गई है। हमीरपुर गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया तो मिठाई बांटकर भी खुशी का इजहार किया। इसी अवसर पर पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। राजेंद्र जार ने कहा कि पालमपुर और सोलन में कांग्रेस ने परचम लहराया है और धर्मशाला में भी कांग्रेस का बढ़िया प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों में कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग बेहाल हुए हैं, जिसे लोगों ने अपना आक्रोश नगर निगम चुनावों में बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें बड़ी खुशी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो सफलता हासिल की है इन चार जो नगर निगम के जो चुनाव थे, इनमें जो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही उम्दा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि अब वो उनके दिन गिनती के रह गए हैं और आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए एक तरह से ये सेमीफाइनल साबित हुआ है चुनाव, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर कर आई है। सोलन में उसने पूरी अक्सरियत से अपनी नगर निगम की इकाई बनाई है, पालमपुर में भी पूरी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने महज मंडी में अपना परचम लहराया है, उसके बावजूद धर्मशाला में वो अक्सरियत में नहीं आ सकी है। वहाँ भी उसको जोड़ तोड़ करके अगर वो कोशिश करेंगे, और कोशिश हमारी भी रहेगी कि कांग्रेस पार्टी जो चार निर्दलीय हैं उनकी अगर सपोर्ट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अपना नगर निगम का मेयर बनाने में सफल होगी। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमीरपुर से भी कार्यकर्ता वहाँ गए और उन्होंने पूरी ताकत लगाकर अपनी ये पार्टी के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम किया और जीत हासिल हुई। हमारी भी वहाँ ड्यूटी लगी थी, मेरी लगी थी, कुलदीप पठानिया जी की लगी थी, बाकी लोगों की भी वहाँ ड्यूटी लगी थी। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से वो ड्यूटी निभाई और बड़ी खुशी की बात हमें खुद को भी है कि हमने जहाँ जहाँ हमारे जो कैंडिडेट थे, जहाँ हमें जिम्मेदारी दी गई थी, वो सभी जीत कर आए हैं। और हम आइंदा भी ये अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और हमें इसमें कोई शंका नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिकी हैं और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दों से लोगों को बेहाल किया है, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लोगों ने उसी जो उनके जन विरोधी नीतियाँ थी उनके खिलाफ जो आक्रोश इन चुनावों में बताया है वो सबके सामने है। और इससे बढ़कर वो अपना आक्रोश बताएंगे आइंदा जो अगले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो हमें पूरी आशा है, बल्कि विश्वास है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें हम पूरी तरह, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। आज से ही हम जुट चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, बूथ-बूथ जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और हमें पूरी यकीन है कि हम मजबूती से अगले इलेक्शन लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। पर जहाँ तक, वहाँ भी हमारी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, ऐसा नहीं बोल सकते आप।
और गुटबाजी की वहां पर बात नहीं थी। गुटबाजी तो इन चुनावों में नहीं हुई। पालमपुर में जहां तक सवाल है, बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं थी, और धर्मशाला में भी कोई गुटबाजी जैसी हमें तो कोई समाचार नहीं मिला है, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं थी। पर लोगों का अब जगह जगह अपना अपना रुझान होता है, तो उन्होंने समझा दूसरी तरफ वोट देना, तो इस वजह से हमारी फिर भी हमारी 5 सीटें वहां पे आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें, सिर्फ 3 का फासला है, और 4 जो वहां पे जीत के आए हैं वो या तो कांग्रेस के ज़्यादातर उसमें रेबल हैं जो वहां पे जीत के आए हैं, और हमारी पार्टी की कोशिश रहेगी, हमारे नेतागण इसमें लगे हुए हैं कि वो उन 4 जो इंडिपेंडेंट जीत कर लोग आए हैं उनको अपने साथ मिलाकर कांग्रेस पार्टी का वहां पे भी परचम लहराए, वहां पे भी मेयर बनाए, ये हमारी आशा है, और हम शायद इसमें कुछ हद तक कामयाब भी होंगे। ये जो चुनाव हुए ना। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार का पूरा दबाव होने के बावजूद भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और लोगों ने भी कांग्रेस पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल मात्र झूठ पर काम कर रही है, जिसका जवाब जनता ने नगर निगम चुनावों में दिया है। कि सरकार के पूरे दबाव के साथ, सरकार की पूरी तानाशाही के खिलाफ, सरकार का पूरा दबाव होने के बावजूद प्रदेश के वोटरों ने और कांग्रेस पार्टी के बीच में अपना विश्वास जाहिर किया है, और कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ जो है वो एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा है, और उसका जो है वो हमारी लीडरशिप को, इसका राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी का जो लड़ाई चली हुई है देश में, अकेला वो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को भी उन्होंने मोड़ लगाई है कि आने वाला काल जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और जिस तरह हमारे साथी जी ने कहा कि हाँ महंगाई और दूसरी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर लोगों ने मोड़ लगाई है कि ये सरकार झूठ के ऊपर काम कर रही है, जो अब लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया है, और दबाव के बावजूद अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला कि कर्मचारियों को ये करो, उसके बावजूद लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास किया है, इसलिए हम आज चुनाव जीते हैं। NSY युवा कांग्रेस और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो जिन्होंने दिन रात वहाँ पे पालमपुर, सोलन और मंडी हर एक जगह पे मेहनत की, सभी कांग्रेस परिवार के साथियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात करके मेहनत की और भाजपा का सुपड़ा साफ किया हिमाचल प्रदेश में, जहां पे हमारी दो निगमों में हमारे पार्षद जीते हैं, उनको हम सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले मैं स्वर्ण ब्लॉक का अध्यक्ष युवा कांग्रेस रजिंदर राणा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने गत दिन जब स्वर्णपुर असेंबली से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपने ही गुरु को मात दी थी, अब सोलन में अपने चेले को दे दी, इसलिए उनको मैं और कांग्रेस पार्टी को और राजा वीरभद्र सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने स्वर्णपुर का नाम वैसे भी रोशन किया हुआ है, और आए दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी सोलन निगम के चुनाव थे उनको जीत दिलाकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है।